हेलो माय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गार्डनिंग एट होम पे। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा इंडोर प्लांट के बारे में। दोस्तों, हम इंडोर प्लांट्स में जैसे मनी प्लांट हो गया, लकी बैम्बो हो गया, पीस लिली हो गया, फर्न्स हो गया, ग्रैपिवी हो गया, टेल फ्लावर हो गया, उन्हें हम घर में जो लगाते हैं पानी में लगाते हैं किसी पॉट के अंदर। जैसे कि मैंने ये मनी प्लांट का पौधा लगा रखा है, ये खूबसूरत भी काफ़ी हो रहा है और मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें रूट्स भी काफ़ी डेवलप हो रही हैं। देखिए, यानी ये अच्छा चल रहा है। आप देख सकते हैं इसकी रूट्स कितनी अच्छी हो रही हैं। ये बहुत अच्छा चल रहा है प्लांट। लेकिन दोस्तों, ये तो हो गई प्लांट के अच्छा चलने की और हमारे उगाने के तरीके की। लेकिन मेरे पास एक और यूनिक तरीका है जो विदेशों में बहुत यूज़ किया जा रहा है, लेकिन इंडिया में उसे भी नहीं यूज़ कर रहे हैं लोग। या तो लोगों को पता नहीं है या कोई और रीज़न है, लेकिन मैंने इंडिया में यूज़ करते हुए नहीं देखा है। दोस्तों, उसे बोलते हैं मड सोयल। बहुत ही खूबसूरत तरीका है प्लांटों को इंडोर में उगाने का। ये सिलिकॉन की बॉल होती हैं इस तरह की छोटी छोटी, जो कि वाटर को अपने अंदर में सोख लेती हैं। लेकिन जो मार्केट में आप दिवाली के टाइम पे देखते हैं, ये वो बॉल नहीं होती, क्योंकि उनमें फंगस लगने का खतरा रहता है। जो मड सोइल के नाम से आती है वो एंटी फंगल होती है, उनमें फंगस नहीं लगती। तो दोस्तों, आज मैं बताऊंगा कि आप उसमें किस तरीके से प्लांटों को उगा सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये मैंने मड सोइल की बॉल्स बड़ी कर ली हैं और आप देख ही रहे हैं कितना सुंदर लग रहा है ये गमला मेरा। तो अब मैं इसमें क्या करूँगा कि मैंने इसमें थोड़ी भर दी है, उसके बाद मैं इसमें इसे अंदर में डाल दूंगा। और अंदर में डालने के बाद इसमें जो बची हुई जगह है उसमें मैं थोड़ी और मड सोइल बॉइल डाल दूंगा। इसे फुल कर दूंगा मैं ऊपर तक। इसमें कुछ बॉल्स में मैं एनपीके भर दूंगा, लिक्विड एनपीके में डाल दूंगा तो उनमें एनपीके भर जाएगा। और 10-20 बॉल में वो इसके अंदर में मिक्स कर दूंगा सारी बॉल्स के अंदर, तो इसे फर्टिलाइजर भी मिलता रहेगा। दोस्तों, इस तरीके से आप बहुत इजीली से फर्टिलाइजर भी देख पाएंगे और ये एक बहुत ही खूबसूरत तरीके से प्लांट भी उगा पाएंगे। आप देखेंगे कि ये कितना सुंदर लग रहा है, गमला भी सुंदर लग रहा है और प्लांट भी सुंदर लग रहा है। तो दोस्तों, वो बोरिंग तरीका जो था, ओल्ड टाइप के हमारे गमले जिसमें कोई खूबसूरती नहीं थी, और ये हमारे न्यू टाइप के गमले जिसमें कि बहुत खूबसूरती है, आप पौधे उगा सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों, आपको मेरा ये पौधे उगाने का तरीका बहुत अच्छा लगा होगा। इसे आप सपोर्ट दे सकते हैं, ऊपर रख सकते हैं, जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं। कितना सुंदर लग रहा है आप देख ही सकते हैं। तो दोस्तों, आप भी मड सोइल का यूज़ कीजिए। मैं आपको इसका लिंक दे दूंगा, आप इसे ऑनलाइन बाय कर सकते हैं। ये काफ़ी साइटों पर अवेलेबल है। तो अगर आप इसमें उगाना चाहें, कुछ बॉल्स को आप लिक्विड एनपीके में डाल लीजिएगा 10-12 बॉल्स को, और वो इन्हें मिक्स कर दीजिएगा ताकि पौधे को फर्टिलाइज़र मिलता रहे। दोस्तों, इसका एक फ़ायदा ये है कि मान लीजिए आपका गमला गिर जाए, टूट जाए, तो पानी नहीं फैलेगा, ये बॉल्स फैल देगी, जिससे कि इन्हें आपको उठाना आसान रहता है। लेकिन अगर आपका गमला वैसे टूट जाता है तो बहुत ज़्यादा पानी फैल जाता है, जो कि काम बढ़ता है, उस काम को भी कम करता है। खूबसूरती तो आप देख ही रहे हैं कितनी सुंदर लग रही हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा और आप भी मड सोइल का यूज़ करेंगे इंडोर प्लांट्स उगाने के लिए। आप इसमें लकी बैम्बो उगाएंगे तो वो भी बहुत अच्छे लगेंगे। इसमें आप पीस लिली उगाएंगे तो वो तो बहुत ही सुंदर लगेगा, क्योंकि पीस लिली अपने आप में बहुत खूबसूरत होता है। और आप मड सोइल में उगाएंगे तो मड सोइल आप देख ही रहे हैं कितनी सुंदर है। इसमें पौधे बहुत सुंदर होते हैं क्योंकि इसमें मॉइस्चर कंटिन्यू बना रहता है, फंगस नहीं लगती, इसमें पानी के साथ जैसे गंदगी मिक्स होने का खतरा रहता है वो नहीं रहता। कुछ बॉल्स ऊपर की गंदी भी होती हैं तो आप उन्हें बदल सकते हैं कुछ टाइम के बाद में, या पानी से धोकर फिर इन्हें रख सकते हैं। तो दोस्तों, आप भी मड सोइल का यूज़ कीजिए। मैं इसका लिंक आपको दे दूंगा, आप ऑनलाइन बाय कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर लगते हैं गमले, आप लगाइए। आप कुछ और ज़्यादा क्रिएटिव होंगे तो आप और ज़्यादा क्रिएटिविटी के साथ इस काम को कर सकते हैं। भाई, हम तो थोड़े कम क्रिएटिव हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। मेरा वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। दोस्तों, मैं आपके लिए और वीडियो लेकर आता रहूँगा। धन्यवाद।